दोस्तों नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है आपके आपके प्रिय चैनल जोल्ट में। एपिसोड नंबर 2 में मैंने आपको ड्यूबी के बारे में बताया था कि किस तरीके से ड्यूबी में हम छोटे छोटे चेंजेस करके हम ड्यूबी की लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं और हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जिन दर्शकों ने एपिसोड नंबर 2 मिस कर दिया है वो इस एपिसोड के अंत तक बने रहे, मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा, उस लिंक के द्वारा आप जाके एपिसोड नंबर 2 देख सकते हैं। तो एलईडी बल्ब एंड लाइट्स बिजनेस टिप्स के एपिसोड नंबर 3 में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। जिस तरीके से मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक ऐसे टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा जो कि टॉपिक अनटेस्ट होगा, तो आज का टॉपिक है सोल्डर कैसे किया जाए, हाउ टू सोल्डर। सोल्डरिंग करना एक आसान तरीका है, प्रक्रिया है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक एलईडी बल्ब एंड लाइट के बिजनेस में। अगर हमने सोल्डरिंग करते समय ध्यान से सोल्डरिंग नहीं की, हमने छोटी छोटी गलतियां कर दी, तो हमें हमारा फेल्योर रेशियो बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट क्वालिटी गिर जाएगी और हमें बहुत सारा नुकसान हो सकता है और उसके साथ साथ कस्टमर का विश्वास भी टूटेगा। तो सोल्डर करने के मैं आपको बहुत छोटे छोटे टिप्स दूंगा, उन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हम एक अच्छी तरीके से अपने प्रोडक्ट की सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पे चलने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका यही प्यार मुझे नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता रहता है और आपका यही प्यार बना रहेगा तो मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो आपके लिए लेके आ सकता हूं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक, मैं आपको वीडियो के एंड में एपिसोड नंबर 4 के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमें सोल्डर करने के लिए सबसे पहले हमें सोल्डर आयरन की जरूरत पड़ती है, उसके साथ हमें एक फाइलर की जरूरत पड़ती है। ये फाइलर किस काम के लिए आता है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर बता दूंगा। उसके बाद हमें एक पीसीबी की जरूरत पड़ती है, इसी पीसीबी पे मैं ये सारे कंपोनेंट्स आपको सोल्डर करके दिखाऊंगा। उसके बाद हमें एक सोल्डर वायर की जरूरत पड़ती है, हर एक सोल्डर वायर अलग अलग कैटेगरीज में आता है, उसकी आपके वायर की जो डायमीटर्स होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। अभी मैं यहाँ पे 22 डायमीटर का मैं यूज कर रहा हूँ, SWG जिसको 22 बोलते हैं, इसमें 18 भी आता है, इसमें 22 भी आता है, 24 भी आता है, मैं 22 गॉज का यूज कर रहा हूँ। उसके बाद इसका जो ग्रेड है वो 63% टिन का है एंड 37% लेड का है, ये हाफ केजी का है, ये नॉन कोरोसिव फ्लक्स कोड है, यानी कि मैं यहाँ पे इसमें ऑलरेडी फ्लक्स की कोटिंग की गई है इसलिए मैं अलग से कोई फ्लक्स यूज नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज आपको एक अलग से फ्लक्स यूज करना पड़ेगा। ये बहुत हाई ग्रेड का आपका सोल्डर वायर है इसलिए मुझे फ्लक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। आइए मैं आपको आगे दिखाता हूँ किस तरीके से मैं इसको यहाँ पे सोल्डरिंग करूंगा। मैंने यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स को इस पीसीबी के अंदर लगा दिया है, आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे। अब दूसरा स्टेप क्या है, ये सोल्डर गन जो है, इस सोल्डर गन को अब हम गर्म करेंगे, लेकिन उसको गर्म करने के पहले, उसको हीट करने के पहले हमें इसके टिप को इस फाइलर से जो जमे हुए कार्बन्स हैं उनको निकाल लेना चाहिए। अब देखिए मैं बहुत ध्यान से मैं कितने आराम से इस फाइलर का उपयोग करता हूं। ये हमेशा जब भी आप फर्स्ट टाइम दिन में आप इस्तेमाल करें या बीच बीच में आपको लगता है कि आपके सोल्डर गन के ऊपर कार्बन जम गया है तो उसको इस फाइलर के थ्रू निकाल लेना चाहिए। तो अभी आपने ये समझ लिया इस फाइलर का उपयोग क्यों होता है। दूसरा, ये सोल्डर गन के ऊपर ये जो लगने वाला पॉइंट है, जब हमें ये पॉइंट काफी कम हो जाता है या घिस जाता है तो हमें उसे नया यूज करना चाहिए, लेकिन हर बार नया यूज करने के पहले और हर बार फाइलर अप्लाई करने के बाद हमें टिनिंग प्रोसेस होता है, हम उसको टिनिंग करते हैं। अब मैं टिनिंग प्रोसेस क्या होता है मैं आपको वो दिखाता हूं। मैं अभी सोल्डर गन को यहाँ पे होल्डर में प्लेस कर देता हूँ और मैंने अब सोल्डर गन को ऑन कर दिया है। विद इन अ मिनट ये सोल्डर गन जो है गर्म हो जाएगा। इसके बाद मैं इसकी टिनिंग प्रोसेस करूंगा। टिनिंग प्रोसेस करने के बाद ही हमें सोल्डर करना स्टार्ट करना चाहिए। गन गर्म हो चुका है, अब मैं यहाँ पे टिनिंग प्रोसेस करूंगा। टिनिंग प्रोसेस में क्या करना होता है, हमने जब इस सोल्डर गन के पॉइंट को हमने इस फाइलर से क्लीन कर लिया तो उसके बाद हमें इसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ानी होती है, हमारे जो सोल्डर वायर है उसकी हमें एक कोटिंग चढ़ानी होती है। वो कोटिंग चढ़ा देने के बाद से आपका जो सोल्डर होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और आगे हमें इसके ऊपर जो कार्बन डिपोजिशन है या कार्बन डिपोजिट होता है वो नहीं होगा। अब देखिए मैं कैसे लगा रहा हूं, बहुत आसान तरीका है टिनिंग करने का। हमने टिनिंग कर दिया, टिनिंग करने के बाद हमने इसको धीरे से निकाल लिया, हमने हटा दिया अब उसे। अब मैं यहां पे सोल्डर करूंगा। अब सोल्डर करने का तरीका बहुत आसान है, ध्यान दीजिए मैं इस पॉइंट पे सोल्डर करने जा रहा हूं
और इस पॉइंट पे सोल्डर करने के लिए हमें ऊपर से सोल्डर नहीं करना, हमें साइड से सोल्डरिंग करनी है। मैंने सोल्डर गन को यहां पे धीरे से पॉइंट किया और एक दो सेकंड के अंदर ही ये जो पॉइंट है ये गर्म हो जाता है, क्योंकि सोल्डर गन का टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, तो एक दो सेकंड के अंदर गर्म हो जाता है। और मैं सोल्डर वायर को वहां पे जस्ट लगा के और वापस ले लूंगा। और यहाँ पे ज्यादा देर तक सोल्डर आयरन को रखने से सोल्डर पूरी तरीके से होगा नहीं, क्योंकि इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट सोल्डर वायर का बहुत कम होता है, इसलिए ये जल्दी ही गल जाएगा। आप देखिए प्रोसेस को, देखिए मैंने एक सेकेंड से भी कम समय में यहां से इसको हटा लिया। मैं एक दो और आपको सोल्डर करके दिखाता हूं। ये आपको ध्यान से दिख गया होगा मैंने कितने आराम से यहां पे सोल्डर किया है। अब मैं यहां पे ये दो बड़े पॉइंट्स को मैं सोल्डर करता हूं। देखिए मैं साइड से ही लगा रहा हूं, मैंने ऊपर से सोल्डर नहीं किया, साइड से किया। साइड से जब करता हूं जो ये जो लेग है ये लेग ऑलरेडी गर्म हो जाता है, और जब मैं सोल्डर वायर उसके पास में लगाता हूं तो सोल्डर वायर पिघल जाता है। ये देखिए एक सेकेंड से भी कम समय लगा मुझे ये सोल्डर करते वक्त। मैं फिर से आपको दिखाता हूं। अब मैं ये दूसरा वायर यहां पे दूसरा लेग उसका सोल्डर करता हूं। ये देखिए कितने आसानी से सोल्डर हो चुका है। यही प्रोसेस हमें सारे सोल्डर करते समय करना है। सोल्डर गन का इस्तेमाल करने के पहले हमें सबसे पहले उसको क्लीन करना है, उसकी टिनिंग करनी है। टिनिंग करने के बाद हम सोल्डर वायर को जिस तरीके से मैंने प्लेसमेंट किया था उसी तरीके से हम सोल्डरिंग को स्टार्ट करेंगे और सोल्डर प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। आप देखिए सोल्डर करने के दौरान इसमें बहुत सारी चीजें वेस्ट निकलती हैं, जैसे ये सारी चीजें आपको यहाँ पे वेस्ट नजर आ रही हैं, जिसमें आपके इन कंपोनेंट्स के लेग्स हैं, कुछ सोल्डर यहाँ पे गिरा हुआ है, लेकिन ये वेस्ट नहीं है, इसका उपयोग होता है। आप सोल्डर ये जो लेग्स हैं कंपोनेंट के लेग्स हैं आप उनका यूज भी आगे कर सकते हैं, प्लस ये स्क्रैप में भी बिकता है। तो अगर आपका बहुत बड़ा काम है, आप ज्यादा सोल्डरिंग कर रहे हैं, तो इनको आप इस्तेमाल कर अपने पास रखे रहिए, इसको फेंकिए मत, और ये स्क्रैप में भी चला जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेरे नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे आप SMS कर सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो एक ऐसा टॉपिक पे है जिसमें पूरा एलईडी बल्ब बिजनेस का आधार टिका हुआ है, एलईडी रॉ मेटेरियल का परचेज। एलईडी रॉ मेटेरियल का परचेज कैसे करें, कहां से करें, रॉ मेटेरियल अच्छा है या बुरा है, ये मेरे नेक्स्ट एपिसोड में होगा, एपिसोड नंबर 4। तब तक के लिए आप बने रहें, एपिसोड नंबर 4 का इंतजार करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।